हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईफेस। तो कैसे हो आप लोग? और आज का एक यूनिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और ये यूनिक इन्फॉर्मेशन क्या है, ये यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि 500 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सर हम कहाँ से करें अगर कभी हम गेट भी 2025 की एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए, अगर कभी हम लोग पहली बार सुन रहे हैं कि गेट बी एग्जाम होती किस लिए, तो आपको मैं बता दूं जो गेट बी की एग्जाम होती है ये एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है जो कि एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए आपसे ली जाती है। मतलब आपको क्वालिफाई करना होती है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एमएससी प्रोग्राम के अंदर मतलब किसी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी या आईआईटीज के अंदर आपको एमएससी करने का या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करने का मौका मिलता है। और आपको इस टॉप यूनिवर्सिटीज में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको यहाँ पर एक टॉप नॉलेज मिलता है, टॉप एजुकेशन मिलता है, टॉप वहां से बहुत सारी कंपनीज के अंदर आपको जाने का मौका मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं, साथ ही साथ आपको फेलोशिप अलाउ की जाती है कि आप वहां पर पढ़ रहे हो। और अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व भी हो सकते हो। तो ये सारे के सारे फायदे होते हैं गेट बी 2025 के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब बात की जाए कि सर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें सबसे पहली बात कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, बिकॉज क्योंकि सर यूट्यूब से हमें आईएफएस से तो सारी बातें समझ में आ जाती है, एंड देन बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर हमें करना है और वो भी आईएफएस के प्लेटफॉर्म से करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हमारे पास एक सोर्स आईएफएस है और इस आईएफएस के सोर्स मतलब उस ऐप का फायदा हम लोग कैसे उठाए, तो इस फायदे को बताने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। बिकॉज क्योंकि ऐप तो सभी ने इंस्टॉल किया ही होगा, बट ऐप से फायदा किस तरीके से ले हमें, क्योंकि हमें जरूरत है हमारी, ठीक है। तो लाइफ में सक्सेस के लिए थोड़ा खुद के लिए सेल्फिश होना जरूरी है। तो सेल्फिश होने के लिए आपको एक बात है कि आपको उस सेल्फिश बनने के लिए, मतलब एक बात यह है कि आपको सक्सेस होने के लिए खुद के लिए आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। तो आपको फायदा लेने के लिए फायदा निकालना कैसा है यह आपको पता होना चाहिए। मतलब 500 क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करें सर, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे क्या क्वेश्चन 500 से ज्यादा IFS के ऐप के ऊपर है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल हाँ, IFS के ऐप के ऊपर ऐसे 500 प्लस क्वेश्चंस अवेलेबल है जहां से आप गेट बी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। और मेरा गारंटेड चैलेंज है कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा बूस्ट होने वाला है और आप अपनी सक्सेस के रास्ते में एक अच्छे ट्रस्ट के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में अच्छे से लड़ाई करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात करेंगे सर क्या 500 प्लस क्वेश्चन आईएफएस के ऐप पे है या नहीं है, वो बात कर लेते। तो मैं आपको प्रूफ के साथ में बताना चाहूंगा आईएफएस के ऐप के ऊपर ले जाकर। चलते हैं हम आईएफएस के ऐप के ऊपर। तो आपको सिर्फ सिंपली गूगल पर सर्च करना आईएफएस और आप आ जाओगे आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर। चलो ठीक है, यहां से आपको लॉग इन करना पड़ेगा। मैंने लॉग इन करके रखा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको वो सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आफ्टर लॉगिन के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने यहां पर सिनेरियो खुलने वाला है, ओपन होने वाला है। अब इस सिनेरियो के अंदर आपको इस सीएसआर नेट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और आपको सर्च करना है यहां पर आईआईटी जेम और गेट बी। चलो तो अगर कभी सर हमारे पास गेट बी का ऑप्शन है तो हम गेट बी के ऑप्शंस पर जाते हैं। गेट बी के ऑप्शंस पर जाने के बाद आपको यहां पर लर्न फ्री के ऑप्शन पर आ जाना है, ठीक है। ये लर्न फ्री के ऑप्शन पर, और इस लर्न फ्री वाले ऑप्शन में आकर आपको ऑनलाइन टेस्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहां पर आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज स्कॉलरशिप टेस्ट मिल जाएंगे। इन टेस्ट के बाद में सर ये तो बहुत काफी नहीं हो गया हमारे लिए, आपने लिखा है 500 प्लस क्वेश्चन, तो ये 500 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आईआईटी जेम वाले सेक्शन में। एंड देन आईआईटी जेम वाले सेक्शन में जाकर आपको आ जाना है बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में। यहां पर अब आपको सर्च करना है लर्न फ्री वाले ऑप्शन में एंड देन आ जाना है यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट में। तो आपको बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट मिल जाते हैं, पीवाईक्यू मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट यहां पर मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाते हैं। आपने आईआईटी जेम सर्च कर लिया, आपने गेट बी सर्च कर लिया, यहां से आपको क्वेश्चंस मिल गए। आप आ सकते हो सीयूटी पीजी वाले ऑप्शन में, यहां पर आपको बहुत सारे सोर्स मिलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। हम बात कर लेते हैं लाइफ साइंस के ऊपर कि लाइफ साइंस में हम लर्न फ्री वाले ऑप्शन में आकर ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आकर यहां पर पीवाईक्यू एंड देन स्कॉलरशिप टेस्ट और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ में हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको ओपन करके नहीं दिखा रहा हूं, बट आपको यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे सोर्स है हमारे पास में, हमारे पास सेट एग्जाम का सोर्स है। अगर हमें हमारा टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक अगर हमें किसी स्पेसिफिक एग्जाम के अंदर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें वहां से हमारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल जाएंगी। आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, देखो कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, सिर्फ वहां पर तरीका बदल जाता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। आप सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल आपने टेंथ में भी वही पढ़ी होगी, ट्वेल्थ में भी वही पढ़ी होगी, बस अपडेट करते चल रहे हो आप और वही सीएसआर लेवल तक पढ़ोगे, तो बस यही बात है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसी लेवल की करनी है, तो आप यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चंस से अपना बेसिक्स तैयार कर सकते हो, बेसिक्स के साथ साथ आप हायर लेवल के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमारे पास बहुत टाइप के क्वेश्चंस है, आप यहाँ पर बार्क लेवल के एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हो, आप यहाँ पर TIFR की एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम के सोर्स है। अब आप ये सोचोगे सर ये MSc एंट्रेंस एग्जाम है और हम जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये PhD एंट्रेंस एग्जाम है और हम जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो सर MSc एंट्रेंस एग्जाम है, तो आपको मैं वापस एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो सोर्स है ये नहीं होता है चेंज, ठीक है। तो आपका लेवल चेंज होता है, बस हमें अपना बेस क्लियर करना है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्स है, अब CUET PG के पास में बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बहुत सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएगी। आप लर्न फ्री के ऑप्शन में जाकर 500 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है। तो यही बात थी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो कि मुझे बतानी थी और मैं आपको बता चुका हूं। एंड देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।